Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to the next episode of Learn with Upstocks. अभी पिछले वीडियो में ही हमने देखा कितनी तरीके की स्टडीज होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, रेंको चार्ट्स होते हैं, हाइकिन आशी नाम की कोई चीज होती है, बार चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं जो सिर्फ क्लोजिंग को प्रेफरेंस देते हैं. लेकिन मैंने आप लोगों को बताया, चाहे कितने भी तरीके के पैटर्न्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल जो होता है हम लोगों के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न. कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके का दिखता है. कैसा दिख रहा है ये? इट लुक्स लाइक अ कैंडल. एक कैंडल की तरह दिखता है, इसलिए कैंडलस्टिक बोलते हैं. अभी इस कैंडलस्टिक को हमको स्टडी करना है. सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसके दो पार्ट्स होते हैं. इस वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी और इस वाले पार्ट को कहते हैं विक. तो बेसिकली बॉडी एंड विक डिस्कस करेंगे. अभी बॉडी और विक समझने के लिए हमको एक दूसरा वर्ड समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है, जिसको बोलते हैं OHLC. कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज. अगर आप ये चारों समझ गए कि ओपन कहाँ है, हाई कहाँ है, लो कहाँ है, क्लोज कहाँ है, तो बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आपको क्या बोलना चाहता है. ऑल दीज आर मैसेजेस इन द मार्केट. इफ यू आर एबल टू डिकोड दीज मैसेजेस, यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ अगर ये ग्रीन कैंडल है, अच्छा इतना तो हम सब के अंदर नॉर्मल सा नॉलेज है हम लोगों को कि बढ़ते मार्केट को, बुलिश मार्केट को, बायर्स मार्केट को क्या बोलते हैं. किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीन या रेड? डेफिनेटली ग्रीन. और गिरते मार्केट को, बेरिश मार्केट को, फॉलिंग मार्केट को, शॉर्ट सेलिंग वाले मार्केट को किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? रेड कलर से. ये ग्रीन है, मतलब मार्केट कहां क्लोज हुआ होगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर. तो अगर मैं इन चार पॉइंट्स में तुरंत मार्कअप करता हूं तो ये मेरा ओपनिंग पॉइंट है. कैसे मालूम चला? छोड़ो, नहीं मालूम मेरे को ओपन कहां है. क्या मेरे को बता सकते हो क्लोज कहां हुआ है? अगर ग्रीन कलर है तो ऊपर हुआ है तो खत्म. अगर ये क्लोज है तो ये ओपन हुआ ना, और ये लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है. तो ये बनता है OHLC से. तो ये एक ग्रीन कैंडल का एग्जांपल हुआ. अगर मैं आपको एक रेड कैंडल का एग्जांपल दूं तो एक ही डिफरेंस होगा, और आई थिंक आप गेस कर चुके हो कि इस बार ओपनिंग कहां हुई. हमें नहीं मालूम ओपनिंग कहां हुई, ओपनिंग कहीं भी हुई. अगर रेड कैंडल है तो क्लोजिंग कहां हुई, कोई बता सकता है? नीचे क्लोजिंग हुई, क्योंकि ओपनिंग क्या एक ही जगह बची, ये ओपनिंग होगी. ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या चीज डिस्कस की कि जो ओपन से क्लोज का डिफरेंस होता है उसको बॉडी कहते हैं, और जो इंट्राडे हाई लो या उस कैंडल का जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम कि वहां तक गया था बट रुक नहीं पाया, उसको हम विक कहते हैं. साथ ही साथ विक के साथ हमने स्टडी किया ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का. अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ विल डाइव डीप इनटू द कैंडलस्टिक पैटर्न्स. मतलब जब आप रियल वर्ल्ड में ट्रेडिंग करने जाते हो तो ऐसे कैंडल नहीं बनते, सिर्फ इस तरीके के बहुत टाइप के बनते हैं. द फर्स्ट पैटर्न विल बी लर्निंग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. ये क्या होता है बुलिश? तो वर्ड पहला सिंपल है, एनगल्फिंग एक नया वर्ड में भी सुना होगा. बात करते हैं क्या होता है. जब भी आपको एक बिग बॉडी कैंडल दिखती है, बिग बॉडी कैंडल मतलब इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है बुलिश है, तो देखो ग्रीन होगा तो बोलने की बात ही नहीं है. अगर इसमें दो पार्ट्स है, बॉडी एंड विक, क्या बड़ा है इसका? द बॉडी इज ग्रेटर देन द विक. तो इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां ओपन हुआ और दूर जाके क्लोज हुआ. ये खुला 500 रुपीज पर 580 पे जाके क्लोज हो गया. काफी बुलिश लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. तो ये इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. अच्छा, एनगल्फिंग वर्ड क्यों यूज किया है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. अगर हम इस जगह पे आएंगे और इस पैटर्न को देखेंगे, ये देखो जो ग्रीन वाला है क्या है, अभी आपको बताया बिग बॉडी कैंडल मतलब एनगल्फिंग कैंडल. अभी एनगल्फिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली जब एक बिग बॉडी कैंडल बनती है, जो प्रीवियस कैंडल होती है, चाहे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, कभी कभी तो पांच कैंडल्स को भी एनगल्फ मतलब कवर कर जाती है. जैसे आपके सामने कोई आपसे लंबा पर्सन आ गया तो आपको कवर कर जाएगा, दिखेगा, आप दिखोगे नहीं उसके सामने. वैसे एक बड़ी कैंडल जब होती है कि पीछे की सारी कैंडल को छुपा लेती है, कवर कर देती है, दैट वर्ड इज यूज्ड एज एन एनगल्फिंग ओवर हियर. सो नाउ यू नो व्हाट इज एनगल्फिंग, नाउ यू नो व्हाट इज बुलिश. द बॉडी इज बिगर देन द विक, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. नाउ द सेकेंड पैटर्न इज कॉल्ड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न. या सिंपल सा पैटर्न है, जस्ट उसका उल्टा होगा. एक ही चीज इसमें डिफरेंस होगी, वो क्या होगी आप बताओ. जो डिफरेंस आएगा वो होगा ओपन यहां हुआ
और क्लोज नीचे हुआ। अगर ये क्लोज नीचे होगा तो कलर क्या होगा? रेड। दैट्स प्रीटी सिंपल। ओपन क्लोज, बॉडी बड़ी है विक से, डन। वो तो डन है यहां पे। एनगल्फिंग कोई भी हो, द बॉडी विल बी ग्रेटर देन द विक। ये एनगल्फिंग कैंडल क्या बोल रहा है? कोई स्टॉक है 500 रुपीस पे ओपन होता है, 400 का हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्लोज भी हो गया। अभी क्लोज भी हो गया मतलब ओ एच एल सी इन चारों वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है कौन सा है? दैट इज क्लोज। द क्लोजिंग रिप्रेजेंट्स द रीसेंट प्राइस एक्शन। रीसेंट प्राइस डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस डेटा, तो हमको उस पर फोकस करना है। तो क्या बता रहे हैं वो? क्लोजिंग मतलब ये बता रहा है बेरिश पावर को रिप्रेजेंट करता है, बेरिश मार्केट की शुरुआत को ये रिप्रेजेंट करता है। यहां पे भी बॉडी बड़ी है विक से एंड ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, सिंपल सा पैटर्न था। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ पैटर्न, वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, हैमर। एक हैमर क्या होता है? अगर किसी हैमर को आप ऐसे करके पकड़ते हो अपने हाथ में ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ते हो तो वो हैमर की तरह दिखता है। अगर मैं इसे ग्रीन कलर का कर देता हूं, क्या मतलब है ग्रीन कलर का? अभी बताया आपको, ओपन यहां हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, तो ग्रीन हैमर है, लो पॉइंट ये बनाया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो इसे समझ लिया वो आधा स्टॉक मार्केट ही समझ गया बोल सकते हैं। एक स्टॉक था 500 रुपीस का, यार वो 450, 420, 400, 350 हो गया। अरे यार कितना बियरिश हो गया। अभी वो वहां से वापस ऊपर उठता है, उठता है, उठता है, वापस 500 पे आता और 530 पे क्लोज होता है। अभी ऐसे सुनोगे कि कोई स्टॉक था 500 का, 530 हो गया, आपको अच्छी बात है। बट अगर कोई बताएगा यार वो आज 350 का हो गया था, वहां से 530 गया है, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा बुलिश है। तो दीस कैंडल्स आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंट्राडे लेवल उस कैंडल के अंदर, क्योंकि ये लो बनाते हैं, लो पे रुकते नहीं है। क्या क्या नहीं करते? लो पे रुकते नहीं, मतलब लो पे क्लोज नहीं होते, ये वापस आते हैं, ओपन तोड़ते हैं और ग्रीन कैंडल बनाते हैं। तो ये यहां पे बड़ा क्या है पार्ट है, विक इज ग्रेटर देन बॉडी। मतलब ये क्या बाउंस बैक कर गया? ये गया तो नीचे बट ये क्लोज नहीं हुआ और बाउंस बैक किया। तो जब भी आपको ऐसी टेल विक नीचे मिलेगी तो मतलब वहां से बाउंस बैक ले रहा है, तो ये बुलिश पैटर्न है। फोर्थ पॉइंट अपन जाएंगे, जो एक ऐसा हैमर आपको देखने मिलता है जिसमें विक ऊपर की तरफ है और ये रेड कैंडल है फॉर एग्जांपल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हिसाब से? ये मतलब एग्जांपल देते हैं, 500 का स्टॉक था, 600 का हो गया, गुड, मार्केट स्ट्रांग लग रहा है, ऊपर जाएगा लगता है, लेकिन क्लोज नहीं होता, वो वापस 530, 520, 500, 490 रेड हो जाता है और 450 पे क्लोज हो जाता है। अभी कोई बोलेगा कि यार 450 चला गया 500 से, बोलेगा ठीक है बेयरिश है, लेकिन कोई बोलेगा 600 से 450 गया है, दैट इज टू बेयरिश। सो दिस बॉडी, दिस कैंडल हैज विक ग्रेटर देन द बॉडी, ये बाउंस बैक ऊपर से करके आया है नीचे, तो ये ऊपर से नीचे बाउंस बैक करके आया है, इसलिए ये एक बहुत ज्यादा बेयरिश पैटर्न है, ये गिरता हुआ मार्केट रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर और हैमर दो तरीके के होते हैं वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द फिफ्थ पैटर्न इज लाइक अ काइंड ऑफ स्पेशल पैटर्न, जो ऐसा दिखता है, ये क्या हो गया यार? मतलब ये खुलता है, ऊपर जाता है, हाई बनाता है, नहीं रुक पाता, वापस आ जाता है जहां से खोला था, और नीचे जाता है, बेरिश हो जाता है, नहीं रुकता, वापस वहीं हो जाता है, क्लोज मतलब ओपन पे ही क्लोज। इसका मतलब क्या? इसको कहते हैं हम एक डोजी पैटर्न, DOJI। सो दिस डोजी रिप्रेजेंट्स फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, बायर्स एंड सेलर्स, बट कौन जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहा है। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कुछ नहीं मिलती। बेसिकली ये एक नॉन एक्शनेबल पैटर्न है कि इसको देख के कोई भी ना बाय ना सेल करता। इसको ये एक ऐसी कैंडल है जो आपको आपका अटेंशन चाहती कि हाँ अगला जो कुछ प्राइस एक्शन होगा कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, ध्यान देना है आपको, यहां पे ध्यान देना है। वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इसका नाम मॉर्निंग स्टार इसलिए क्योंकि सन राइज करता है ऊपर, ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए जब मार्केट भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेड कैंडल बनती है, जब भी क्या रिप्रेजेंट करती है? सेलिंग रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगली कैंडल नहीं जाती नीचे, मार्केट वहां फाइट हो जाती है, एक डोजी बन जाता है। डोजी क्या रिप्रेजेंट करता है? कि फाइट हो गई, कोई नहीं जीता और अगली कैंडल बनती है ग्रीन। अगर आपको ऐसा पैटर्न कहीं देखने मिलता है तीन कैंडल स्टिक का, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है देखो कुछ भी हुआ
अभी क्या हुआ, वॉट इज द रीसेंट मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन टेलिंग यू, इट्स एन एनगल्फिंग कैंडल, इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, दैट टू, उसके पहले क्या था, कंफ्यूजन, उसके पहले कोई और जीत रहा था, सोचो कोई और जीत रहा था, फिर लड़ाई हुई, कंफ्यूजन आया, फिर अभी बुल्स जीत रहे, क्या करना चाहिए, दिस इज अ फॉर्मेशन जो आपको चार्ट्स में दिखता है। हम बात करते हैं इसके बाद इसका रिवर्स इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक ऐसा पैटर्न है, बहुत फेमस पैटर्न है, मेरा फेवरेट है इवनिंग और मॉर्निंग दोनों। अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है कि मार्केट बताते ऊपर जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद एक डोजी बनता है और उसके तुरंत बाद एक रेड कैंडल बनती है, अगर ये एक साथ होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। ये क्या काम आता होगा आपके, आप बताओ, एक कैंडल बोलती है मार्केट ऊपर जाएगा, फिर दूसरी कैंडल बोलती है लड़ाई हो गई कोई नहीं जीता, फिर तीसरी कैंडल बोलती है नीचे जाएगा। इट्स अ वेरी गुड पैटर्न to enter a short trade and Morningstar is a very good pattern to enter a long trade. तो I hope आप लोगों को ये जो सारे के सारे patterns मैंने समझाए, उनका जो base है वो है OHLC और body और wick. अगर body बड़ी है, wick छोटी है, it's an engulfing pattern. अगर wick बड़ी है, body छोटी है, it's a hammer pattern. अगर दोनों बराबर है, body है ही नहीं, सिर्फ विक विक है, इट्स अ डोजी पैटर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई वॉन्ट टू सी मैक्सिमम लाइक्स इन दिस वीडियो, ये सीरीज की शुरुआत ही है समझ लो, और अगर आपको ये सीरीज देखने में मजा आ रहा है तो आपके लाइक्स देख के मालूम चलेगा हाँ आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए और वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपने देखे शुरुआती वीडियोस बहुत ज्यादा सिंपल और टू द पॉइंट है, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो वेरी गुड, बट अगर नहीं किया है फिर भी ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जल्दी वीडियोस पहुंचेंगे। I know if you are a beginner, you might have some questions in your mind, or if you are an experienced person, you might have some feedback for us. Whatever it is, it's welcome. आप comment section पे आके अपने views दे सकते हैं. And if you share this video with your friends, that will be very good for your friends जिनको ये चीजें सीखनी है. Okay, so it was very good, good content, मजा आया. तो thank you so much guys for your time, and I'll see you soon in the next video.